किसान भाइयों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यह तेलंगाना राज्य का चिरला नामक एक जगह का वीडियो है। इस वीडियो में मिर्च के खेती में एक पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पाउडर क्या है और किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी से संबंधित यह वीडियो है। इसमें पूरा संपूर्ण जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। और आपके लिए बहुत ही, जो मिर्च का खेती कर रहे हैं उन किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं नवीन और आप सभी का हमारे चैनल किसान ऑफिस में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती किसानी के लिए यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाली घंटी बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाता है आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मिर्च खेत में सल्फर का डस्ट का छिड़काव किया जा रहा है। इसमें जो मशीन है, इस मशीन में सल्फर को भरकर उसका ब्लावर के द्वारा स्प्रे किया जाता है, जिससे सिर्फ डस्ट निकलता है, वह मिर्च के पत्तियों पर पड़ता है। यह सल्फर डस्ट का छिड़काव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे मिर्च में एक बहुत ही खतरनाक रोग लगता है, जो कि माइट के द्वारा होता है। माइट एक प्रकार का इंसेक्ट है जो कि मिर्च के पत्तियों का रस को चूसता है और फिर मिर्च का पत्ती सिकुड़ जाता है, जिससे मिर्च का पौधे का बढ़वार बिल्कुल रुक जाता है। अगर आप बड़े क्षेत्र में मिर्च का खेती किए हैं, लगभग मान लीजिए 4 एकड़ 5 एकड़ में, तो आपको सीधी सी बात है कि आमदनी आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो उसके लिए आप कुछ खर्च कर सकते हैं। इसके लिए आप मशीन ले लीजिए, 15 से 20 हज़ार के बीच में आपको मशीन मिल जाएगा। और मिर्च में गारंटी है कि आप अगर मिर्च की खेती करें उससे माइट्स का आक्रमण जरूर होता है, माइट्स का अटैक होता है, और जिससे मिर्च का फसल बहुत ज़्यादा नुकसान होने का डर रहता है। तो अगर आपके पास यह मशीन है तो आप सल्फर का जो 85% डस्ट पाउडर जो आता है, डीपी सल्फर 85% डीपी, इसको आप 1 एकड़ में लगभग 25 से 30 किलो पाउडर का स्प्रे कीजिए, ये ब्लावर कीजिए इसके द्वारा, इस मशीन में भरकर, तो आपका माइट्स बिल्कुल रुक जाएगा। साथ ही साथ माइट का जो अंडा होता है भी हैच नहीं होता है और माइट का आक्रमण भी रुक जाता है। उसके साथ क्या होता है कि सल्फर का अगर पौधा में छिड़काव किया जाता है तो इसमें पौधे का जड़ का बढ़वार बहुत ही अच्छा होता है, जिससे पौधों का विकास होता है। साथ ही साथ यह पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल की पूर्ति को भी पूरा करता है। अर्थात सल्फर का स्प्रे करेंगे तो आपको पौधों को एक साथ 2-3 फायदा होता है।